ठीक है। परविंदर सिंह साहब, जरा ये बताइए, आप दोनों जमातों के लीडरान को यहाँ पर सुन रहे हैं, इनका कहना है कि किसी की कॉपी नहीं कर रही हैं। अब मैं बात करती हूँ अकाली दल के लिहाज से आपसे। किसान बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, ये बिल वापस हो रही है, संसद में भी इन्हें कानूनी तौर पर वापस ले लिया जाएगा। जो आपका इतिहाद था, सबसे पुराना बीजेपी के साथ जो आपका इतिहाद था, वो इसी बिना पर टूटा था। अब आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर जो आप पर इल्जाम लग रहे थे कि आप किसानों के साथ नहीं है और इसी वजह से आपने इतिहाद भी तोड़ा था, क्या आपको वापस वो ताकत हासिल हो पाएगी पंजाब के लोगों के बीच? नहीं, हमें देखिए, श्रोमणी अकाली दल एक बाद एक पार्टी है जो किसानों की पार्टी है, क्योंकि किसान, देखिए हम पार्टी की बात नहीं है, जो जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो किसान हैं, और हम आज से नहीं, श्रोमणी अकाली दल का इतिहास रहा है कि वो किसानों के लिए हमेशा खड़ी रही है, अभी भी खड़ी रही है, और उन्होंने हमने हरसिमरत कौर बादल ने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया, हमने अलायंस तोड़ा, और हम हर तरह से किसानों के साथ खड़े थे। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी देश के अंदर जिन्होंने ये कानून लागू करे थे, बाद में ये बैकआउट करके जब लोगों का माहौल देखा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल को 101 साल हो गए, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है, इसका एक इतिहास है, चाहे कुर्बानियों का ले लीजिए, चाहे देश के आजादी के लिए ले लीजिए, हर तरह से शिरोमणि अकाली दल देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के रोजगार के लिए हर तरह से खड़ा है। मैं आम आदमी पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो इन्होंने मास्क के ऊपर बड़ा स्कैंडल करा, मैं मानता हूं कोरोना के टाइम में मास्क पहनना बड़ा जरूरी है, इन्होंने उसको एक तरह से पैसे इकट्ठे करने का जरिया बना लिया, 2,000 रुपए चालान, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था तो कोई सांस लेने के लिए मास्क नीचे करता था, ये 2,000 रुपए चालान करके इन्होंने 100-150 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। लेकिन इन्होंने उन लोगों को, जब मैंने पहले ये बात आवाज उठाई तो इन्होंने 51,000 रुपए अनाउंस करे, मैंने कहा कम से कम जो कोरोना काल के अंदर जिन लोगों की जाने गई है उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। अब दूसरी बात, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये पंजाब में जाना चाहते हैं, पंजाब की समस्या जो सबसे बड़ी है शराब माफिया और ड्रग माफिया, अब इन्होंने यहाँ पे शराब को प्राइवेटाइज कर दिया, उसको इनको फंड्स की जरूरत है, इन्होंने जो 600 जो सरकारी दुकानें थी वो बंद कर दी। मैं कहता हूं चलो हमें शराब से कोई लेना देना नहीं है, अगर ये शराब को बंद कर देते तो हमें खुशी होती, लेकिन इन्होंने शराब के साथ साथ उसके रेवेन्यू को इकट्ठा करने के साथ साथ जो 600 दुकानों के अंदर करीब करीब 5-6 हजार सरकारी नौकरी में लोग थे उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज के बाद जो लेकिन सरकारी परविंदर नौकरियां सिंह साहब, अपोजिशन में हजार आप तक इल्जाम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो आपसे भी बनता है ना सर, जब आप सत्ता में थे, सरकार में थे, तब आपने कितने कठोर कदम उठाए? ये सवाल तो आपसे भी बनेगा। एक नहीं, छोटे आप एक बात समझिए, हमने प्राइवेटाइज नहीं करा, आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने शराब को प्राइवेटाइज कर दिया, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जो सरकारी नौकरी है, आने वाली जो 5-6 हजार नौकरियां हैं वो खत्म हो गई हैं, उसका जवाब दें। आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी 1,000 रुपए ठीक है, इसका देंगे। जवाब मैं लूंगी अतर ज्यादा।